होंडा तो भाई होंडा है, नो डाउट। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइस आज देख सकते हैं आप लोग, मैं चला रहा हूँ होंडा की स्मार्ट पावर 125। जी हाँ भाई, SP125 भाई। बस उसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा था कूल बनने के लिए। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा ये पर्पस रहता है कि बाइक की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग को दूँ। फिलहाल चलिए आते हैं बाइक की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं E20, यहाँ पे स्टिकर आप देख सकते हैं। तो ये BS6 फेज 2 जो लेटेस्ट आई है वो मैं अभी चला रहा हूँ। और क्या क्या चेंजेस आए हैं अभी मैं रुकता हूँ एक जगह प्रॉपर, तब आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी चलते चलते बात करते हैं कि इसका इंजन कैसा है, चलने में कैसी है, सब कुछ अभी आपको मैं बताता हूँ। और गाइस सेकेंड गियर पे हूँ मैं अभी, और इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है भाई। और मनूवर की बात की जाए, आराम से मनूवर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है और एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में मैं हूँ। और इनफैक्ट अभी मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ तब भी मुझे पावर की कोई कमी जो है महसूस नहीं हो रही है। सिटी में आप देख सकते हैं ओवरटेक्स आराम से हो जाती है, यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। और भाई डेफिनेटली अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में कम्यूटिंग बाइक लेना चाह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और हॉर्न देखिए, हॉर्न मुझे बहुत डिसेंट सा लग रहा है, क्या कर सकते हैं हम। और आराम से मनूवर हो जा रही है भाई। और अगर ब्रेकिंग की बात की जाए भाई, ब्रेकिंग का भी फीडबैक काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब है कि जैसे ही आप जो है रियर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंट जो है वो आपका फ्रंट ब्रेक्स भी अप्लाई होते हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डिस्क वेरियंट चला रहा हूँ। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो करीब 1,06,000 आपको देखने को मिल जाता है ऑन रोड वाराणसी, जो इसका डिस्क वेरियंट है टॉप वेरियंट। अभी प्राइस जो है भाई वो वैरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स में। मैं अभी ये वाराणसी की आपको जो है ऑन रोड प्राइस बताया हूँ। और आपको होंडा की कोई भी बाइक से स्कूटी लेनी है तो आप आ सकते हैं भाई ब्रिजलेक्स होंडा वाराणसी सिगरा वाला, ये आपको यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल जाएगा। और शोरूम का जो डिटेल है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके सस्पेंशन सेटअप की बात की जाए तो सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है भाई। इंडियन रोड के हिसाब से गड्ढों में जा रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, एकदम आराम से निकल जा रही है, बिल्कुल भी आपके जो है कमर पे एकदम प्रेशर नहीं आता। ये देखिए ब्रेकर्स आ गए काफ़ी ज़्यादा, तो चलिए इस पर एकदम आराम से टेस्ट करते हैं। और बहुत स्मूथ निकल गई भाई, आराम से डेली कम्यूटिंग के लिए तो एकदम बढ़िया रहने वाली है। सस्पेंशन सेटअप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है 125 सीसी सेगमेंट में अगर मैं देखूँ तो। और बॉडी बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा, हैंडलिंग भी आपको जो है शार्प मिलती है। अभी देखिए आराम से चलते हैं तो आपको यहाँ पे इको मोड का इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अगर यही मैं थ्रॉटल खींचता हूँ तो ये देखिए इको मोड का इंडिकेशन जो है वो ऑफ हो जाता है। एक बार चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा गियर तो नहीं चेक कर पाऊँगा मैं, बट फिर भी एक बार देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर तक मुझे लगता है हो पाएगा। कि देखते हैं भाई हर गियर में कितनी जा रही है। तो पहले एकदम से भाई स्टॉप कर लेते हैं। और गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको यहाँ पे एकदम क्लियर देखने को मिलता है। अभी मैं आ गया हूँ न्यूट्रल पे और चलिए लगाते हैं फर्स्ट गियर, चेक करते हैं कितनी जा रही है। थर्टी टू, फिफ्टी सिक्स, और भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि इसके ऊपर मैं चेक नहीं कर पाऊँगा। आराम से एकदम हाई आरपीएम में जब हिट करता हूँ तो थोड़ा सा जो फुटपैक्स पे है वो वाइब्रेशन आ रहे हैं। फिलहाल अगर 90% थ्रॉटल तक भी आप जाते हैं तो आपको कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। और एक बढ़िया सी आपको चीज़ सामने दिख रही होगी भाई, अपना इंडिया का फ्लैग। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ,
पुराने SP125 से जब मैं इसको चला रहा हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं लीन भी कर रहा हूँ, हालांकि लीनिंग विनिंग के लिए बहुत ज़्यादा भगाने के लिए देखिए भाई बनी नहीं है, एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप आराम से चलने के लिए लेते हैं, बट अगर आप हल्का फुल्का जाते भी हैं आप थोड़े वेट रोड्स पे तो आपको कॉन्फिडेंस जो है अब ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है भाई क्योंकि अब भाई फाइनली होंडा ने इसमें वाइडर टायर्स दे दिए हैं रेयर में। जी हाँ भाई, अब रेयर में भाई आपको 100 सेक्शंस का टायर देखने को मिल जाता है। भाई मैंने ना जाने कितनी वीडियोस इस पे बनाई हैं कि वाइडर टायर्स दे भाई होंडा, वाइडर टायर्स दे। अब फाइनली लगता है भाई होंडा वालों ने मेरा वीडियो जो देख लिया है। डेफिनेटली भाई मतलब मेरा क्या भाई, काफ़ी यूट्यूबर्स ने ये जो इसका सबसे बड़ा कॉन्स था ना भाई, मतलब रेयर टायर, वो अब सॉल्व हो गया है। तो अब जो है मेरे ख्याल से इसमें कोई भी कॉन्स जो ऐसा बचता नहीं है, अब सिर्फ इस बाइक में आपको जो है प्रोज एंड प्रोज ही मिलेंगे। और अगर इसके मैं क्रूजिंग स्पीड की बात करूं तो आप आराम से 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस सिटिंग पोस्चर की जैसे मैं बात करूँ, एकदम आराम से एकदम कम्फर्टेबल, मेरे फुटपैक्स की पोजिशन देख सकते हैं एकदम फ्रंट में है। तो लॉन्ग राइड्स करिए, देर तक सिटी में ट्रैवल करते हैं, कोई भी आपके हाथों पे जो कमर पे पेन एकदम नहीं आएगा। और बात करते हैं भाई थर्ड गियर की, गियर चैलेंज की, तो चलिए एक बार चेक करते हैं कितना जा रही है थर्ड गियर में। तो गाइस थर्ड गियर पे 82 पे जो इसका लिमिटर हिट किया तो गियर रेशियो भी अच्छा खासा लंबा है, 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिलता है। हेलो गाइस, और भाई चला के सीरियसली इसको मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में खड़ी है भाई होंडा की SP125 लेटेस्ट एडिशन। तो चलिए पहले हेलमेट को सेटअप में आते हैं, फिर आपको इसका जो पूरा लुक दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं भाई क्लियरली SP125 E20 वाली भाई BS6 फेस 2 मेरे सामने खड़ी है। और फ्रंट से आप देख सकते हैं भाई पूरा यहाँ पे भी एकदम न्यू बाइक है, तो प्लास्टिक वास्टिक चिपका हुआ है भाई। यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो आपको कंप्लीट LED सेटअप देखने को मिल जाता है, LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है जिसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, रात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वही हेलोजन इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी के भाई। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ऐसे रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं दोनों साइड पे, और निस्सिन के आपको डिस्क कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। तो टॉप नॉच क्वालिटी, 240mm का आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाता है, और इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। रियर ब्रेक प्रेस करते हैं तो फ्रंट में भी कुछ प्रेशर जो अप्लाई होता है। ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो 130mm का आपको ड्रम देखने को मिल जाता है फ्रंट और रियर दोनों में। 18 इंचेस के आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं फ्रंट और रियर दोनों में, और MRF का आपको यहाँ पे देख सकते हैं टायर मिल जाते हैं 80x100 का फ्रंट में। और अब आते हैं भाई टैंक की तरफ, तो 11 लीटर्स का भाई इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। और माइलेज जो है भाई थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर में जो है पहले भाई 80x100 का टायर मिलता था, अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया, अब 100 सेक्शंस का आपको टायर मिलता है। तो माइलेज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई थिंक ड्रॉप हुई होगी तो अभी भी, लेकिन काफ़ी बढ़िया आपको मतलब 60 से 65 KMPL का आपको माइलेज जो है निकाल के दे देगी। और सीट्स भाई इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल ना और इतने ज़्यादा वाइड कि आप फैमिली को लेकर ट्रैवल करते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लंबे टाइम तक इस बाइक को चलाते हैं कोई भी आपको यहाँ पे परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं भाई मीटर की तरफ, तो वही आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है फुल्ली, जहाँ पे आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम देखने को मिल जाता है, गियर पोजिशन इंडिकेटर, साइड स्टार इंडिकेशन, और सभी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मोस्टली आपको सारे देखने को मिल जाते हैं भाई। डिस्टेंस टू एम्प्टी और सब आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं भाई। हाँ, हालांकि जो अब दूसरे सेगमेंट की मतलब इसी सेगमेंट में जो 125 सीसी सेगमेंट में और बाइक्स में जो आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो अभी भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बट आई डोंट थिंक कि उससे कोई ज़्यादा आपको इशू होगा भाई। इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, एग्जॉस्ट नोट और साइड स्टर्न इंजन कट ऑफ के साथ आती है भाई, एकदम साइलेंट स्टार्ट होगी, देखिए स्टार्ट हो जाती है पता भी नहीं लगता है। चलिए इसका मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ।
काफ़ी ज़्यादा एकदम पतला है यहाँ पे, और एग्जॉस्ट नोट भी देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया गया है भाई, और किक भी आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी लोगों को किक चाहिए होता है तो भाई कोई इशू नहीं है। यहाँ पे साइड में देख सकते हो होंडा का 3D आपको लोगो देखने को मिल जाता है। SP125 ग्राफिक्स जो है इसके आप थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं और कलर्स भी चेंज कर दिए गए हैं। हालांकि ये जो मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये ग्लॉसी फिनिश में है, ग्लॉसी ब्लैक, और प्रॉपर आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं। आगे पीछे करना है आपको बाइक को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रेयर में कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिल जाता है। LED आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है, हेलोजन इंडिकेटर्स अगेन, और रेयर में 130mm का आपको ड्रम ब्रेक्स, 18 इंचेस के अलॉयज, MRF के भाई। अब आपको रेयर में जो इसका सबसे मेजर अपग्रेड है वो 100 सेक्शन का टायर मिलता है। और इस साइड आते हैं, इस साइड आपको भाई एकदम प्रॉपर कवर्ड चेन कवर देखने को मिल जाती है, तो जल्दी जल्दी आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। 5-speed का गेयरबॉक्स। इंजन की बात करें तो 124cc का आपको सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve का एयर कूल्ड इंजन मिलता है 5-speed गेयरबॉक्स के साथ। और अगर इसके पावर की बात की जाए तो करीब 10.8 PS की पावर जनरेट करती है 7500 RPM पे, एंड करीब 10.9 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करती है 6000 RPM पे, और 117 किलो के कवेट के साथ आती है। तो पावर टू वेट रेशियो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खासा आपको पावर देखने को मिल जाता है। और भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है एकदम श्योर नहीं हूँ मैं, 160 से 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो सब कुछ एकदम आपको टॉप नॉच, वाइडर टायर से एकदम जो है अब बाइक जो है कंप्लीट हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी दिखती है, नहीं तो पहले से थोड़ी पीछे से पतली दिखती थी। और E20 भाई कंपैटिबल है, जो इथेनॉल 20% के साथ फ्यूल आने वाला है, मतलब उसका इंजन, इसका इंजन उसके लिए एकदम कंपैटिबल है, वही आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। OBD2 यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, रियर में वही आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो एडजस्टेबल भी है, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशन जो बढ़िया काम करते हैं। तो बस भाई ये था इसका पूरा इन्फॉर्मेशन। तो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई इस प्राइस रेंज में भी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ होंडा की, अगर आपको कोई भी बाइक से स्कूटी लेनी है आप आ सकते हैं ब्रिजलेक्स होंडा सिग्रा वाराणसी से। शोरूम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, अपना इंडिया का फ्लैग भाई वहाँ पर लहराता हुआ। तो चलिए अब इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड।